इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है और ये झटका मायावती की ओर से आया है। मायावती के इस ऐलान से विपक्षी एकता और उसकी ताकत पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। बसपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज करते हुए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया कि वो आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने ऐलान किया कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एनडीए और इंडिया अलायंस अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे अलायंस करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही मायावती ने मीडिया से अपील की, नो फेक न्यूज़ प्लीज़। बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज़्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी और 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाए। उन्होंने कहा, वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहां सभी आतुर हैं, किंतु ऐसा ना करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाएं तो सेक्युलर, ना मिले तो भाजपाई, ये घोर अनुचित। और अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसा है। इसके अलावा बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस और उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले ये पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हो रही बैठक में मायावती के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। उनके बयान से अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रही। एक तरफ जहां मायावती को इंडिया अलायंस का कुनबा अपनी ओर लाने के लिए जी जान से जुटा था, वहीं मायावती ने सारे कयासों को किनारे कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। ऐसे में 2024 के रण में बीजेपी के एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच मुकाबले से पहले कांग्रेस की मुहिम को झटका लगा है। क्या मायावती के बिना इंडिया अलायंस यूपी में कुछ कमाल कर पाएगा, इस पर सवालिया निशान लग गए हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।